بسم الله الرحمن الرحيم. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अस्मा है और मैं 32 इयर्स से मेडिकल प्रैक्टिस में हूँ। छोटी मोटी डिग्रीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड ली, MBBS हूँ, MCPS फैमिली मेडिसिन, MCPS गायनी, असिस्टेड रिप्रोडक्शन में सुपर स्पेशलिटी के तौर पे कैरियर शुरू किया है। ऑलमोस्ट 19 इयर्स से IVF स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ उसका ताल्लुक मेडिसिन से है भी और नहीं है। इस तरह के इंसानी जिस्म के बारे में जितने मौजूआत पर आज तक बात की गई उनमें सबसे ज़्यादा फी ज़माना तकलीफ़ दे बात बीमारियों से बचत के मरहले में नाकाम कोशिशों पर आज सिचुएशन गंभीर होती जा रही है। वो इस तरह कि मेडिसिन का कोई भी शोबा हो, डॉक्टर्स कोशिश ये करते हैं कि डायग्नोस करें और उसके बाद उस मर्ज को ट्रीट करें, और तमाम तर बातें ये इलनेस की तरफ चली जाती हैं और वेलनेस से उनका ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। तो सेहत से मुतालिक आगाही का एक सिलसिला जो एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म से आपकी तरफ एक कामयाबी के कदम के ले जाता है, और वो है रिएक्शन का ये प्लेटफॉर्म जो आपको न सिर्फ अपनी सेहत के बारे में आगाही देगा बल्कि ये मौका भी फराहम करेगा कि बग़ैर किसी मुश्किल के अपनी सेहत को बरकरार रखें जब तक आपकी ज़िंदगी है। तो जब भी मेरा सफ़र उर्दू और अंग्रेज़ी का दोनों ही सही तालीम के हवाले से चलता रहा और आज भी जारी है, तो इस दौरान में कुछ मरहले ऐसे भी आए कि जब ऐसा लगता था कि जहां हमारी कोशिशें नाकाम हो जाती थी और मरीज़ को तमाम तर तवज्जो, तमाम तर दवाएँ, तमाम तर सर्जरीज के बावजूद भी खातिर ख्वा फ़ायदा नहीं होता था। मेरी फील्ड में जो कि रिप्रोडक्टिव मेडिसिन है या असिस्टेड रिप्रोडक्शन है, उसमें बारहा 30 से 70% तक नाकामी का सामना करना पड़ता है, और ये ऐसा तकलीफ दे अमल होता है कि डॉक्टर हो या सफ़रर पेशेंट, तो मैंने नहीं कहूँगी क्योंकि सिर्फ एक कमज़ोरी होती है कि जो उनकी जनरेशन को आगे बढ़ने से रोक रही होती है। तो इस तगोदौ में मुझे कुछ ऐसे शवाहिद मिले जिससे मैंने सोचा कि कुछ काम करना चाहिए, शायद इससे हम मरीज़ों की कुछ ज़्यादा बेहतर तौर पर खिदमत कर सकें। तो होलिस्टिकली अगर देखा जाए तो इंसानी जिस्म की बुनियाद सेल या खलिया, उसकी सेहत पर दिमाग और दिल सुनने समझने या अमल करने से कासिर होता है। जब तक आप उसको उस गंभीरता में ना डाल दें कि हाँ अब आप तकलीफ दे मरहले से गुज़र रहे हैं, तब आप पूरे तौर पर कोशिश करेंगे कि किसी तरह उस तकलीफ़ से निकल जाएं। तो सेहत का ये पैगाम सारी दुनिया में अब ग्लोबली एक अहमियत अख्तियार करता जा रहा है, और आपको भी पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आइए फिर हम ये बात करें कि वेलनेस क्या है, या सेहत का बरकरार रहना या जीने में क्या फ़र्क है ज़िंदा रहने के मुताबिक। ज़िंदा रहना और जीना दोनों और सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी में, उनके भरपूर गुजारने के तरीक़ों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है।
एक बीमार आदमी जो वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, या एक ऐसा बच्चा जो पैदाइशी तौर पे माजूर है, वो जिंदा ज़रूर है लेकिन वो जी नहीं रहा। किसी बच्चे से मैंने पूछा कि बताइए एग्जिस्टेंस और लिविंग में क्या फ़र्क है, तो उसने कहा जी हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करते हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ में वी लिव। इस जुमले से आपको फ़र्क पता लग जाएगा कि भरपूर सेहत के साथ ज़िंदगी गुजारने को जीना कहते हैं, और इस जीने की कोशिश में हम खुद ज़िम्मेदार हैं अगर नाकाम होते हैं। तो वेलनेस हमें क्यों चाहिए, या वेलनेस या सेहत होती क्या चीज़ है? बुनियादी तौर पर वेलनेस सिर्फ उसी वक्त आ सकती है जब आपके जिस्म का हर ऑर्गन या आपका जिस्म बतौर मजमूई हर चीज़ से लड़ने की या कुव्वत मुदाफियत रखता हो, रेजिस्टेंस रखता हो उन तमाम चीज़ों से मुकाबला करने की जो नागहानी तौर पर अनजाने में जानबूझकर गलत आदतों की वजह से, गलत ख्वाहिशों की वजह से और गलत अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ की वजह से हमारे जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता जहर की हैसियत तैयार कर लेते हैं। यानी आज का बच्चा आज से 10 साल पहले पैदा होने वाले बच्चे से या 20 साल पैदा होने वाले जो बच्चे से ज़्यादा मुश्किल हालात में पैदा होता है, इसलिए कि आज हमारी माओं के पास अपने बारे में, अपनी ग़िज़ा के बारे में इल्म तो है लेकिन उसको प्रैक्टिकली अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने का वो सूझबूझ या वो सिंसियरिटी नहीं है। तो किस तरह हम इस कोशिश को आगे बढ़ा सकते हैं कि पहले तो अपने बारे में जानें और उसके बाद उन कोशिशों के बारे में कि जो इस सेहत को हमसे हटकर हमारे आने वाली जनरेशन्स तक उसको खूबसूरती से ले जाएं और उनको भी एक खूबसूरत ज़िंदगी दे सकें। आप क्या समझते हैं, हम सुबह उठते हैं आधी मौत के बाद, नींद आधी मौत होती, उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल क्या होता है? क्या सूरज के उठने से पहले हम उठते हैं? नहीं, हम सूरज के आधा काम करने के बाद हमारी सुबह होती है। जो अर्ली मॉर्निंग फिटनेस की या अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज की फिलॉसफी थी, जो बुकरात ने, हमारे बड़ों ने इम्प्लीमेंट करवाई, वो हमने अपनी ज़िंदगी से थोड़ा थोड़ा करके रफ़ा कर दिया और इल्ज़ाम देते रहे वक्त को, अपने काम को, और अनजानपन में हम अपने आप को उम्र के उन हिस्सों से निकाल के मज़ीद एक तकलीफ़ दे मरहले में अपने जिस्म को डालते चले जाते हैं। इसमें हमारे माहौल पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारी ग़िज़ा पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारी आबो हवा पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारे ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है, और ये वो बलाएं हैं जो हमें पे दर पे हमले करके हमारे रेजिस्टेंस को ख़त्म कर देती हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी जो केमिकल इंडस्ट्री में काम करता है, वो मजबूर है क्योंकि उसके पास वही एक जॉब है, लेकिन अगर वो उसको जानता भी है तो उससे बचत के लिए कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि वो मास्क पहन लेगा या शील्ड अप्लाई कर लेगा या कोई ना कोई जो उस कंपनी ने कुछ उसको बुनियादी सहूलतें दी होंगी उस पर अमल कर लेगा, लेकिन कुछ सालों के बाद उसका जिगर, उसकी स्किन, उसका हाजमा, उसका दिमाग, उसकी आई साइट उस ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड की वजह से मुतासर हो सकती है। तो क्या हम कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाल सकते हैं कि जिसमें इन तमाम आफतों के होते हुए भी अपने आप को सेहतमंद रखा जा सके? चूंकि मैं डॉक्टर हूं तो मैं चाहूंगी कि हम सेहत वहां से शुरू करें जहां से ज़िंदगी शुरू होती है, और ज़िंदगी शुरू होती है जब हम और आप दुनिया में आने से पहले सिर्फ 8 हफ्ते के थे, यानी 5 से 6 हफ्ते में हमारी धड़कन शुरू हुई। उस वक्त अगर हमारी माँ की सेहत अच्छी थी तो हम एक सेहतमंद परवरिश या नशोनुमा की तरफ चले जाते हैं, हमारे सेल्स प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं।
तो जिम्मेदारी कहाँ से शुरू हुई? जिम्मेदारी शुरू हुई उन माओं से जो अब एक नई ज़िंदगी को दुनिया में लाने के लिए तैयार हो रही है, या उन बच्चियों से जो अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ जा रही हैं, या उन बच्चों से जिनके जिंदगियों में उनकी उम्र के से पहले ही कुछ मुश्किलों का सामना शुरू हो गया है। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब इमारत जितनी भी पायदार हो, अगर उसकी पायदारी को परखना होता है तो उसके इंग्रेडिएंट्स देखे जाते हैं, उसको उसका ये देखा जाता है कि किसने बनाया, कैसे बनाया और उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है। तो इंसान के जिस्म की ड्यूरेबिलिटी उसके अपने हाथ में है, उम्र अल्लाह के हाथ में, लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और उसकी ज़िंदगी को जीने को हसीन बनाने का जिम्मा उसके अपने हाथ में। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ये करते हैं कि हमें जो कुछ अच्छा लगता है, हमारे दिल को जो अच्छा लगता है, हम वो कर रहे होते हैं। हम अपने बच्चों को रोकने की उस वक्त तो कोशिश करते हैं जब कोई दूसरा उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो पैदाइश से लेके और अफजाइश नस्ल के मरहले तक कोई प्रिवेंशन हमें नज़र नहीं आती। जब सर पे पड़ती है तो फिर डॉक्टर और अस्पतालों के चक्कर लगते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारी ग़िज़ा नाकाफ़ी है। नाकाफ़ी से मुराद तादाद में नहीं, क्वालिटी ऑफ फूड जो हमारे जिस्म को एक सेहत बख्श माहौल दे, ग्रोथ प्रिवेंशन और तमाम बीमारियों से बचत का एक हौसला दे, वो नहीं। तो भाई क्वालिटी ऑफ फूड क्या होनी चाहिए? हम और आप जब स्कूल में पढ़ते थे बेसिक साइंसेस में कि मौजू ग़िज़ा क्या होनी चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन्स क्या है, फैट्स क्या है, तो ये सिर्फ किताबों की हद तक रह गए। हम में से कितने लोग सुबह उठ के ये सोचते हैं कि आज के नाश्ते में मुझे ये बुनियादी जुज़ होने चाहिए? हमारे पास वक्त ही नहीं है। हम जब स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो हमारे माँ बाप हमारे पीछे लगे हुए होते हैं, बेटा नाश्ता कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है उस चीज़ को सोचने के लिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वक्त, और उसी वक्त को हम इस तरह ज़ाहिर कर देते हैं और वो एज वापस नहीं आने वाली। तो ग़िज़ा के हिसाब से अगर मौजू ग़िज़ा, बर वक्त नींद, पानी का सही मकदार में जिस्म में पहुंचना और बैरूनी असरात से अपने आप को बचाने के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो एक शील्ड अपने गर्द हम खुद बना लेते हैं अपनी चॉइस से। हमें बीमारियों से बचाने के लिए ग़िज़ा के साथ साथ हमारे उन बिल्डिंग ब्लॉक्स का भी बहुत बड़ा हाथ है जिनको हम अंदरूनी तौर पे अपनी पुलिस फोर्स कहते हैं। और हमारी पुलिस फोर्स क्या है? हमारी पुलिस फोर्स है हमारे खून में दौड़ते हुए वो सफ़ेद खलिए WBCs, वो हमारा लिम्फैटिक सिस्टम, वो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो हमें हमारे उन नागहानी एलियन से निजात दिलाता है, फाइट बैक करता है। हमें पता भी नहीं होता कि हमारे जिस्म में क्या हो रहा है। गैर महसूस तरीके से हर लम्हा हमारा जिस्म अपने आप के बचाव में लगा रहता है, और इस बचत के ज़िम्मेदार, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हम उसमें 70% पानी से बने हैं। प्रोटीन्स हमारा डाइट में जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी। फी ज़माना जदीद साइंस, तिब्बी साइंस और खलियाती साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जिन लोगों की जिस्मानी सेहत आज 70 और 80 साल की उम्र में भी ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब शुरू हुई उनकी ज़िंदगी तो जब से उनका एक लाइफस्टाइल है जो उस सेल को सेहत दे रहा है। क्योंकि उनके लिए भी माहौल की आलूदगी है, उनके लिए भी नाकाफ़ी ग़िज़ा है, उनके लिए भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए भी वो तमाम ख़तरात हैं जो आज आपको और मुझे हैं। सबसे ज़्यादा शरह अमवात किस मर्ज़ में मुब्तला होने के बाद देखी गई? एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हार्ट अटैक या इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत का सबब, अमवात का सबब है, और उसके बाद नाम आता है कैंसर का। उसके बाद बाकी बीमारियां जो कि खुद
अपने तौर पर बीमारियां नहीं कहलाई जाती हैं, बल्कि ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी कहते हैं, और अगर कंट्रोल ना हो तो जान भी ले लेती हैं, यह साइलेंट किलर्स कहलाती हैं। यह है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। तो लंग्स, हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, वाइटल ऑर्गन्स को जो ख़तरे आज हैं, वो शायद पिछली सदी में लोगों को नहीं थे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में मस्नूई तरीक़ों से ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं या जिनके ऊपर अब हम डिपेंडेंट हो गए, वो हमारे उन सेल्स को ख़राब से ख़राब हालात की तरफ ले जा रही हैं। खानों का सही तौर पर गैर मुतमईन अंदाज में प्रिजर्वेशंस, यहाँ तक के जो सब्जियाँ उगाई जाती हैं उनमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल, जानवरों को गैर फितरी तरीके पर सेहतमंद बनाकर लोगों को पेश करना, और प्रिजर्व फूड या टिंड फूड या फास्ट फूड की ज़िंदगियों में आमेजिश बढ़ती चली जा रही है। आप माने या ना माने, जितने ज़्यादा गैर फितरी अंदाज में हम जिंदा रहेंगे, उतने ही ज़्यादा हम एजिंग प्रोसेस की तरफ जाएंगे, और उतने ही ज़्यादा तलवारों से हमें लड़ना पड़ेगा, जिनमें एलर्जीज, इन्फ्लेमेशंस, वायरल डिजीज़ेस, इन्फेक्शंस, कैंसर्स, और फिर लेटर लाइफ में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और आर्थराइटिस। तो क्या किया जाए? क्या हम अपने बच्चों को, हम तो नहीं रोक सके अपने आप को, टाइम इज़ गॉन, क्या हम अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हैं? तालीम से ज़्यादा सेहत, सेहत होगी तो बच्चा तालीम लेगा, सेहत नहीं होगी तो बच्चा तालीम भी नहीं दे सकता। तो वेलनेस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा एम्बेसडर, पीएक्सएन का एक प्लेटफॉर्म जो वेलनेस की प्रमोशन के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहा है, और पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी सर्विसेज, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिविजुअल बुनियादों पर पूरी कम्युनिटी को अवेयरनेस दे सकती हैं, और आज ये प्रोग्राम उसी की एक कड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज हम अपनी ग़िज़ा को कैसे मौजू बनाएं कि जिससे हमारे बॉडी के अंदर एक सेल्फ डिफेंस का निज़ाम, जो वैसे भी मौजूद है, और बेहतर तरीके से हमें ज़िंदा रहने पर मजबूर ना करे, मगर हमें ज़िंदगी को जीने में कन्वर्ट करने में मदद दे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सेहत उस वक्त सेहत कहलाती है जब फिज़िकली यानी जिस्मानी तौर पे, दिमागी तौर पे, और एहसासात की सेहत के साथ साथ आपके अंदर कोई डिज़ीज़ या कोई मर्ज़ नहीं पड़ रहा हो। अब ये आइडिया के टोटल हेल्थ या मुकम्मल सेहत कैसे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि आपके जिस्म में मौजूद है, तो ये इसके ज़ेर असर उम्र, आपके हालात, आपका कल्चर, आपका बैकग्राउंड, आपका रहन सहन, आपका जेंडर कि औरत, मर्द, बच्चा, बच्ची, और क्या आपका सोशल क्लास है, ये एक बहुत बड़ी वजह है जो मुख्तलिफ लोगों में सेहत की मुख्तलिफ शक्लों को हम देख पाते हैं। और यही चीज़ हमें हमारी सेहतमंदाना रविश को इख्तियार करने से कभी कभी रोकती भी है। लाइलमी की वजह से सही ग़िज़ा का इंतखाब और सही लाइफस्टाइल का इंतखाब हम शायद खुद करने से कासिर रह जाते हैं, और जब वह गुज़र जाता है उसके बाद हम वो कोशिश शुरू करते हैं तो जिससे इतना खातिरख्वाह फ़ायदा नहीं होता। कहते हैं कि जिन जिस्मों में सेहत रहती है वहाँ बीमारी नहीं रहती, लेकिन हाँ, जो जिस्म बीमार होते हैं वहाँ जब बीमारी की शनाख्त होती है तब पता चलता है कि वो सेहतमंद नहीं थे। तो सेहत और बीमारी एक साथ एक जिस्म के अंदर पनप नहीं पाते।
दूसरी बात ये कि ये कौन डिटरमिन करेगा कि हमारे कौन से फैक्टर्स हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, या जिस बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से मौरूसियत से हमारा ताल्लुक है, क्या वो भी हमारी सेहत पर असरअंदाज होते हैं? बिल्कुल। अगर मौका मिले तो शायद हम अपने पैदा होने से पहले ही अपने माँ बाप की सेहत पर उतना कॉन्सेंट्रेट करें जितना शायद हम अपने ऊपर नहीं करते। इसकी वजह ये है कि जेनेटिक डिजीज़ या मौरूसी बीमारियाँ एक कीबोर्ड की तरह होती हैं। एक कीबोर्ड अगर सही तौर पर काम करता है तो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट होता है। इसी तरह अगर हमारी पैदाइश के नक्स या कुछ मुश्किलें हमारे जिस्मानी सेल्स को सही साइज़ में, सही फंक्शन में नहीं ला पाती, तो हम और लोगों से मुख्तलिफ हो जाते हैं। और इसकी एक वजह पावर्टी, लैक ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी अगर हमारे पास अच्छी ग़िज़ा के लिए, अच्छी सेहत को मेंटेन करने के लिए वक्त और पैसा नहीं है, तो हम मजबूर हैं अपने उसी लाइफस्टाइल में ज़िंदा रहने के लिए। तो बुनियादी तौर पर हमारी सेहत इंडिविजुअल फैक्टर्स से भी असरअंदाज होती है, यानी हम कितने लोगों से मिलते हैं, हमारा कल्चरल बैकग्राउंड क्या है और हमारे सोसाइटी के रिसोर्सेज क्या हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे साथ ऐसे लोगों में, पॉजिटिव लोगों से होता है मिलना जुलना, उठना बैठना, जो केयरफुल हैं अपनी सेहत के बारे में, या सोशली ऐसे हलकों में हैं कि जहां सेहत पर बात होती है, काम होता है, तालीम होती है, तो हम खुद ब खुद उस बहते गंगा में हाथ धो लेते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से हमें कोई अच्छी बात मिल रही होती है और हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और ये वैल्यूज़ उन सोसाइटीज़ में ज़्यादा होती हैं जहाँ पे सोशल सर्कल्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है। दुनिया का कोई भी मज़हब, कोई भी सोसाइटी, कोई भी मुल्क कम्युनिटी डेवलपमेंट के बगैर आगे नहीं बढ़ता। और कम्युनिटी वो अच्छी होती है जहाँ पर अखलाकी बीमारियाँ ना हों, जहनी बीमारियाँ ना हों और जिस्मानी बीमारियाँ ना हों। और इन तमाम चीज़ों के पीछे सबसे बड़ा हाथ है इकॉनमी का और उन हेल्थ सर्विसेज का, जो कि इफ़ेक्टिव होते हुए भी हर घर तक नहीं पहुंच पाते। तो हम और आप जिस दौर से गुज़र रहे हैं, वहाँ पर आपको बताने के लिए शायद ही कोई आएगा कि आप सही कर रहे हो या गलत। यह हमारा अपना फ़र्ज़ है कि अपने उस जिस्म की केयर करें जो खुद हमारा डॉक्टर है। हमारा जिस्म ही हमारे डॉक्टर के हैसियत रखता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे पहले जान लेता है कि क्या उसे ख़तरा है। हमारा दिमाग हम तक उस एहसास को आने में वक्त लगाता है, लेकिन जिस्म ऑटोमेटिकली उस रेजिस्टेंस को अपने तौर पर भेड़ और उसका टकराव शुरू हो जाता है। और उस तनाव के नतीजे में अगर हमारे सेल्स और एलियन सेल्स, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, एलर्जी हो, डस्ट हो या कोई भी गजाई नाकाफ़ी नामनासिब गजा हो या उसके असरात हों, हमें नहीं मालूम होते और हमारा जिस्म उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर से उन ऐसा असरात को जाहिर करता रहता है। अब इसके लिए पब्लिकली हमें क्या करना होगा? हमें उस आर्ट को सीखना होगा, उस आर्ट को सीखना होगा जो साइंस, नॉलेज और प्रैक्टिकलिटी के बीच से होकर गुजरता है। यानी पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करना होगा। हमें अपनी हेल्थ को प्रमोट करेंगे तो पब्लिक हेल्थ खुद बहुत ठीक होती चली जाएगी। उन डिजीज़ से बचत करना होगा जो हमें मजमूई तौर पर रूहानी, जिस्मानी और अखलाकी बीमारियों की तरफ ले जा रही हैं। तो क्या इसके इम्प्रूवमेंट के लिए कोई कोशिश हम अपने तौर पे कर सकते हैं
क्या हम हुकूमतों को या अपनी लोकल बॉडीज़ को, रीजनल बॉडीज़ को इस बात का ज़िम्मेदारी दे दें कि वो हमारी सेहतों का केयर करें, या इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ को कि वो हमें ये इंश्योर कराएं कि जब हम बीमार होंगे तब तो वो हमें मदद करेंगे, लेकिन बीमार होने से हमें बचाएंगे कैसे? क्या ये ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं आती कि थोड़ी देर के लिए 24 घंटों में से अगर 20 मिनट भी हमने अपने ऊपर ये सर्व कर लिए कि आज का दिन हमें फोकस्ड गुजारना है, क्योंकि आज का दिन कल नहीं आएगा। आज 1 अक्टूबर, कल 1 अक्टूबर नहीं रहेगी, अब 1 अक्टूबर 1 साल बाद आएगी, वो भी 2013 नहीं होगा, 2014 होगा। तो वक्त से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है, रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। इस वक्त को बेहतरीन गुजारना ही हमारा मकसद होना चाहिए, और उसके लिए हमें न्यूट्रिशन, हाइजीन, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, वाटर प्रोविजन, इकोनॉमी की थोड़ी सी सहूलत, और सबसे बढ़कर नए नई जहदों का इल्म, और वो जहदें जो कम से कम अपनी ज़ात से ताल्लुक़ रखती हों, और वो डिपेंड करती हैं उस बचत पे, और फिर आप खुद ब खुद मरीज़ों की लाइन से हट जाते हैं, यानी आप मर्ज से दूर होते चले जाते हैं। शायद ये मेरी बात आपको मुश्किल लगे, लेकिन ये इतनी मुश्किल नहीं है अगर आदत का हिस्सा बन जाए। क्यों? इसलिए कि जब पानी सर से ऊपर चल जाता है तो फिर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं दवाओं के, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं एक फिक्स लाइफस्टाइल के, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने लवाकीन के, और हम डिपेंडेंट हो जाते हैं सोसाइटी के। मेरा मतलब जनरल सोसाइटी से नहीं है, मेरा मतलब उन सोसाइटी से है जो गैर सेहतमंदाना रविश रखते हुए या उन मरीज़ों का केयर करती हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। मसलन कैंसर के वो मरीज़ जिनको एक तरफ कर दिया जाता है कि बस अब ये जा रहे हैं, तो इनको केयर करने की एक सोसाइटी मौजूद है। कुछ वक्त वो दूर नहीं है कि अब हमारे बुज़ुर्ग भी वेस्ट की तरह ओल्ड हाउसेज में पाए जाएं। तो क्या हम तैयार हैं हर उस आने वाले पल के लिए कि जो हमें, हमारी उम्र तो बढ़ रही है लेकिन हमारा वक्त दुनिया में कम होता जा रहा है। क्या हम उस तैयार हैं उस एक्सरसाइज के लिए? हर आने वाला पल करोड़ों सेल्स को हमारे जिस्म से रुखसत कर देता है, हमारे ना चाहते हुए भी। हर सेल की एक उम्र है। तो आइए ये जानते हैं कि हम अपनी सेहत को जानकारी दें, अपनी सेहत के बारे में इल्म हासिल करके अपने और अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए एक ऐसी मिशल राह बना दें, ऐसा क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक पैटर्न वज़ा कर दें जो इंडिविजुअल बुनियादों पर जब खड़ा हो तो पूरी सोसाइटी सेहतमंद, और जब पूरी सोसाइटी सेहतमंद होगी तो गैर सेहतमंदाना रवैयों से भी सोसाइटी को निजात मिलेगी। और गैर सेहतमंदाना रवैये कौन से होते हैं? कि जब आप अखलाकी तौर पर गिर जाते हैं, जब आपकी सेहत को आपकी बदअमालियों की वजह से ख़तरे लाहक हो जाते हैं, मसलन एडिक्शंस। आज 15 से 20 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नाकाबिले बर्दाश्त है। उनकी ग़िज़ा, उनका लाइफस्टाइल, एडिक्शंस को कोई गलत नहीं मानते, नींद को कोई अहमियत नहीं देते, और जो उनका दिल चाहता है, जिसके बारे में वो चाहे जाने या ना जाने, उसके लिए वो फाइट करते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हमारे ये बच्चे उस इल्म की तरफ अपने आप को माइल कर दें जिससे वो एक न सिर्फ अच्छे इंसान बल्कि एक सेहतमंद इंसान और एक सेहतमंद सोसाइटी का एक फाल हिस्सा बन सके। तो हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से हम अब इन सेहतमंदाना रविश को परवरिश करेंगे, ये आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं और ये देखें कि कौन क्या गलत कर रहा है,
اور اس جہاد میں شامل ہو جائیں کہ جب تک ہمارے سامنے کوئی غلط کچھ کرے گا اور ہم اس کو پیار سے سمجھاتے رہیں گے جب تک ہماری جان ہمارے ہاتھ سے نکل نہیں جاتی، ہمارے جسم سے ختم نہیں ہو جاتی، اس وقت اس ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ تو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آج اگر آپ خود ایک مثال بن جاتے ہیں اچھی صحت کی، اچھی روحانی صحت، اچھی اخلاقی صحت، اچھی جسمانی صحت کی ضمانت بن جاتے ہیں، تو آپ کو لوگ فالو کریں گے، آپ کو لوگ معیار بنا لیں گے، اور اس معیار کے لیے جب ارد گرد جب حصار کھینچے گا تو ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آئے گا۔ تو غذا کا تعین بہت مشکل ہے کہ کون سی اپنی اس وقت اس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں، اگر ہم پھیکی غذاؤں کی طرف جاتے ہیں جو صحت مند غذائیں مانی جاتی ہیں، تو آج کھائیں گے کل نہیں کھائیں گے۔ ہر بندے کی اپنی ایک ضرورت ہے، اس ضرورت کے حساب سے بچے کو ڈفرینٹ انرجی کی ضرورت ہے، گروئنگ چائلڈ کو ڈفرینٹ انرجی کی ضرورت ہے، ایک لڑکی کو گروئنگ ہیلتھ کی ضرورت ہے، ایک لڑکے کو گروئنگ ہیلتھ کی ضرورت ہے، ایک ہونے والی ماں کو ایک ڈبل ریکوائرمنٹ ہے، اور پھر اس کی پرورش کے بعد بچہ کی ولادت کے بعد ایک صحت مندانہ روش کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کیا کوئی شارٹ کٹ ہو سکتا ہے؟ اول تو سکسیس کے لیے کوئی شارٹ کٹ ہوتا ہی نہیں، لیکن ہاں تھوڑی سی نالج سے اپنے راستوں کو ہموار کیا جا سکتا ہے۔ تو صبح اٹھنے سے لے کے اور رات کو بستر پہ جانے تک اپنے تمام کاموں کو ترتیب دیجئے، اپنی زندگی کو کارآمد بنائیے۔ کس طرح؟ کہ خود بھی اچھی طرح زندہ رہیں اور دوسروں کو بھی اچھی زندگی گزارنے کی ترغیب دیتے ہوئے اپنے حصے کا کام دنیا سے کر جائیں۔ یعنی ہمارا کام اور انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے ہمارا کام یہ نہیں کہ صرف ہم اپنے آپ کو اچھا بنا کے، اپنے آپ نہ تعلیم حاصل کر کے، اپنی زندگی کو کامیاب بنا کے چلے جائیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں، جو علم ہمیں ملا ہے وہ دوسروں کو پہنچائیں، اور جو عمل ہمیں غلط لگتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور تین درجے جو ہمیں بتا دیے گئے کہ اگر کوئی غلط کام ہے تو آپ اسے ہاتھ سے روکیے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیے، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل سے برا جانیے، تاکہ آپ اس کی طرف اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے الگ روش اختیار کر لیں۔ تو میرا میسج، میرا پیغام اپنے بچوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ وقت سے قیمتی کوئی چیز نہیں، اس وقت کو پکڑ کے رکھیں، نہیں پکڑ سکتے۔ تو اپنی صحت کو اس طور پر برقرار رکھیں کہ آپ کسی ڈاکٹر، کسی دوا، کسی اولڈ ہوم، کسی اسپیشل کیئر کے محتاج نہ ہوں۔ معمولی سی وائٹمنس کی کمی، معمولی سی پروٹین کی کمی اور معمولی سی منرلز کی کمی ہمیں متعدد بیماریوں کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک غیر محسوس طریقے سے آہستہ آہستہ ہم بیماری کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ یکسن کے پلیٹ فارم سے ایک بہت ہی خوبصورت پیغام کے ساتھ ڈاکٹر اسما آپ کے سامنے، اور آج میں جس فوڈ سپلیمنٹ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ دنیا کا جانا مانا، کچھ کتابوں کے مطابق 2500 سال پرانا، کچھ کے مطابق 3000، کچھ کے مطابق 3500 سال پرانا ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن میں یوز ہونے والا بابائے مشروم کہیے یا کنگ آف مشرومز کہیے۔ اس مشروم کا نام آپ نے سنا ہوگا، لیکن آج اس کے بارے میں کچھ تفصیلات میں آپ کو سائنس اور ایویڈنس کے حوالے سے دوں گی۔
ये मशरूम और कोई नहीं गैनोडर्मा ल्यूसिडम, इसका साइंटिफिक नाम जापानीज में जिसे ऋषि कहा जाता है, चाइनीज़ में जिसे लिंजी कहा जाता है, और दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबानों में अपने मुल्क की ज़ुबान के हिसाब से मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। लेकिन इससे बढ़कर इसके काम की वजह से, इसके असरात की वजह से इसको सदियों से लोग एक देवमालाई हैसियत देते आए हैं। मतलब ये कि रूहानी तौर पर लोगों को पीस, सुकून, उम्र की गुजरती हुई कॉम्प्लिकेशंस को बचाने के लिए, लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए हमसे आने वाली पहली नस्लों ने इसको बतौर गज़ा के जहाँ जहाँ ये दुनिया में पाया गया वहाँ उसको इस्तेमाल किया। जैसे कि मैं आपसे पहले ये बात कर रही थी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह एज बढ़ रही है, तो ज़िंदगी को धड़के लगे हुए हैं, और इसी तरह एक ख़तरा जो स्टैटिस्टिकली हर इंसान के गिर बढ़ता जा रहा है, वो गैर महसूस तरीके से बीमारियों का जिस्म में दाखिल होना। तो गैनोडर्मा ल्यूसिडम, जिसके लिए कल्टिवेशन रिएक्शन ने डॉक्टर लिम सियोजिन के जेर सरपरस्ती एक वो नाम जिसने अपनी अंतक मेहनत, अपनी दूरबीनी से हमें ये मौका फराहम किया कि ये मशरूम आज हमारे और आपके घरों तक दस्तरस हासिल किए। बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि चाइनीज़ मेडिसिंस अपने सबूत ना रखते हुए भी ग़िज़ा का हिस्सा सदियों तक रही, लेकिन आज साइंसदान इस बात को मानने पर मजबूर हैं कि वाकई कुदरती ग़िज़ा से बढ़कर कोई दवा नहीं हो सकती। यानी आपके जिस्म को अगर कोई चीज़ कंट्रोल करती है तो वो आपका खुद जिस्म है, और उस जिस्म को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा का नेमुल बदल गैनोडर्मा ल्यूसिडम। गैनोडर्मा ऋषि या लिंगजी एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी की ज़मानत देता है, और इसकी ज़मानत सिर्फ इसलिए नहीं कि हम अच्छे दिखें या हम सही उम्र पे पहुँच कर बग़ैर किसी बीमारी के इस दुनिया से रुखसत हों, बल्कि इसलिए भी कि पै दर पे रिकरेंट इन्फेक्शंस, पै दर पे जो हमारे रोज़मर्रा के जिस्मानी ज़रूरतों के हिसाब से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हमें जो चाहिए वो गैनोडर्मा में कम्प्लीटली हमें मिलता। तो हमें ज़रूरत किस बात की है? हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम इस साइंटिफिक एंटिटी को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं, और वो क्यों बनाएं, उसके रेफरेंसेस चाहते हैं। 100 BC में एक रेफरेंस आया जिसको हर्ब ऑफ स्पिरिचुअल पोटेंसी तक कहा गया। फिर कहा गया 10,000 ईयर मशरूम, यानी 10,000 साल से लोग इसको लॉन्गेविटी के अमल में ले गए। फिर कहा गया कि इट्स अ किंग ऑफ हर्ब। फिर कहा गया कि इट्स द मोस्ट एल्कलाइन फूड ऑफ द वर्ल्ड। ये मेरी ज़ुबान से मैं नहीं कह रही, ये वो बातें जो साइंस ने और हिस्ट्री ने हम तक पहुँचाई। इससे क्या होता है? इसका मतलब ये हो कि ये गुड न्यूज़ है हमारी हेल्थ के लिए, एक अच्छी खबर है कि हमारी सेहत के लिए एक हमें पुलिस फोर्स मिल गई। ये भी कहा गया कि तकरीबन 150 डिजीज़ ऐसी हैं जो हमारी जिस्म में सर्वाइव नहीं कर सकती अगर हमारे जिस्म का पीएच जो है वो एल्कलाइन, यानी हमारे जिस्म की तेजाबियत हमारी अपनी दुश्मन है। और गैनोडर्मा वन ऑफ द बेस्ट एल्कलाइन फूड है, तो आप सोचिए आपने 150 बीमारियों को पहले ही अपने अंदर दाखिल होने से बचा लिया।
और जितना भी हम कुछ खाना पीना हमारी ग़िज़ा में एंटर होता है वो 90% एसिडिक है। आज जो हम देखते हैं वो 90% एसिडिक है। 1970 में चाइना में, जापान में गैनोडर्मा को लेबॉर्ट्री में काश्त किया गया स्पोर्ट्स से लाकर। इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन जापान में 1975 में शुरू हुई, ताइवान में 1980 में, और फिर मलेशिया में इसका सेहरा डॉक्टर लिम स्योजिन को जाता है 1983 में। गैनोडर्मा क्या चीज़ है भाई? गैनोडर्मा एक ऐसा मशरूम है जिसके अंदर 400 से ज़्यादा ऐसे एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं आपकी सेहत को बरकरार रखने की। किस तरह के एक बहुत बड़ा ज़खीरा है न्यूट्रास्यूटिकल्स का, जिसकी ग़िज़ा होते हुए भी दवा की जैसी तासीर है। यहाँ मैं ये बात आपके जहन में छिंक कर दूँ कि गैनोडर्मा ल्यूसीडन या इनफैक्ट गैक्सन का कोई भी प्रोडक्ट दवा नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट्स हैं। और फूड सप्लीमेंट्स चूँकि ग़िज़ाई हैसियत रखते हैं इसलिए नुकसानदेह उन्हीं लोगों के लिए हो सकते हैं जिनको उससे कोई एलर्जी हो, और वो भी वक्ती तौर पे। लेकिन तकरीबन 400 रिसर्च क्लिनिकल रिसर्च पेपर्स के प्रिंट होने, 4000 क्लिनिकल रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि देर इज़ नो अदर क्राउन टू बी कंटेस्टेड लाइक गैनोडर्मा। मतलब ये है कि जो खूबसूरती गैनोडर्मा की ग़िज़ाई सलाहियत में है वो आज दुनिया में किसी भी ग़िज़ाई जिन्स में मौजूद नहीं है। ग़िज़ा क्या होती है? ग़िज़ा के तीन काम होते हैं ना। एक तो ये कि आपको ज़िंदा रखे। हम खाते क्यों हैं? हम खाते इसलिए हैं कि हम ज़िंदा रहें। फिर ज़िंदा रहें तो क्वालिटी के साथ ज़िंदा रहें, बीमार ना पड़े। तीसरे ये कि हमें हमारी ग्रोथ पोटेंशियल्स को पूरा करने की सलाहियत मिले। अगर आज एक दिन का बच्चा है तो कल दो दिन का होगा, परसों तीन दिन का, और इसी तरह उसकी ग्रोथ को सही रविश पर इख्तियार करने की जिम्मेदारी ग़िज़ा पे होती है। ये है गैनोडर्मा ल्यूसीडन का एक छोटे साइज़ का मशरूम जो अपनी ओरिजिनल हैसियत में आप देख सकते हैं कि इसकी खूबसूरती सिर्फ इसके टेक्सचर में नहीं है, बल्कि इसकी खूबसूरती उन अज्जा में है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। गैनोडर्मा ल्यूसीडन पे पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है, और उस रिसर्च के हवाले से अब तक तकरीबन 400 से ज़्यादा मेडिकल न्यूट्रिएंट्स या वो अज्जा इसमें मिले हैं जो इस हेल्थ को इम्प्रूव करने के ज़िम्मेदार करार दिए गए। एक वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। एक रीसेंट कॉन्फ्रेंस कैनबरा में हुई और उसने इस बात को दुनिया को और भी रोशनास कराया, ये इल्म दिया कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो गैनोडर्मा का जो एक जूस है उसमें पॉलीसेक्राइड्स हैं। पॉलीसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स की एक आला किस्म, बीटा डी ग्लूकैन, F11 अल्फा, D6 वाइटमिन्स, ऑर्गेनिक जर्मेनियम, एडिनोसिन, ट्राइटरपीन्स, गैनोडरिक एसिड्स की तमाम वैरायटी, फिर गैनोडर्मेडॉइल एल्कलॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, लिंगजी-8 एंड प्लांट स्टेरॉल्स कुछ नाम हैं जो मैं आप तक पहुंचा रही हूं। लेकिन इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तो इसके इम्तहान और भी हैं, इसलिए कि एक एक इंग्रेडिएंट की रिसर्च अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है कि इसमें और कितने फ़ायदे पिता हैं।
सिर्फ अगर हम पॉलीसेकेराइड्स को ले लें तो पॉलीसेकेराइड्स ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई है कि वो न सिर्फ सेहत के हवाले से, एनर्जी के हवाले से, बल्कि शुगर कंट्रोल करने की सलाहियत भी रखते हैं। आइए पहले मैं आपको जनरल बता दूं थोड़ा सा। गैनोडर्मा हाईली मेडिसिनल मशरूम की कैटेगरी में आता है, इसीलिए बेस्ट चॉइस है हमारी हेल्थ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और इट पूरी बॉडी पे काम करता है, सिस्टम ओरिएंटेड, ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं है, डिजीज के ऊपर काम नहीं करता। गैनोडर्मा ल्यूसिडम बॉडी को सही डायरेक्शन में जिंदा रहने की सलाहियत और बीमारियों से बचत का जरिया है। ये आपके कुदरती इम्यून सिस्टम को या मुदाफियती निज़ाम को या आपकी डिफेंस को मजबूत करता है, आपकी बॉडी के सेल्स के काम को बैलेंस करता है और उसके नतीजे में बॉडी अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से खुद अपने आप को आज़ाद कर लेती है। न सिर्फ ये कि वो सेहत और वाइटैलिटी देता है, बल्कि एक मुसक्कन या सुकून या हार्मनी, एतदाल सेल्स की, खलियों की ग्रोथ में, खलियाती सेहत में एक एतदाल और एक बैलेंस क्रिएट करता है। और इस बैलेंस के नतीजे में क्लिनिकल रिसर्च इसको सपोर्ट करती है, जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के अलावा भी यूनिवर्सिटी ऑफ बीजिंग USA के फूड साइंटिस्ट, ऑनकोलॉजी जर्नल्स ऑफ USA, स्विट्ज़रलैंड की डिफरेंट साइंटिफिक सोसाइटीज, इन तमाम लोगों का मुश्तरका फैसला ये है कि गैनोडर्मा के सेवरल डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और उनका एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो पॉलीसेकेराइड्स है। पॉलीसेकेराइड्स क्या है? जिसने इम्यूनिटी को एनहांस करने की हमें इश्योरेंस दी है, जमानत दी है। और जो सबसे बड़ा पॉलीसेकेराइड गैनोडर्मा में है उसका नाम है बीटा डी ग्लूकैन। पॉलीसेकेराइड्स का काम क्या होता है कि पॉलीसेकेराइड्स हमारे जिस्म में एक चीज़ होती है इंटरफेरॉन, आप चाहें तो उसको स्टडी कर सकते हैं, उसका लेवल बढ़ाते हैं। और इंटरफेरॉन वो प्रोटीन है जो कि इवन वायरसेस के खिलाफ काम करता है, इम्यूनिटी एनहांसर है और ये कुव्वत मुदाफियत को मजबूत करता है। डॉक्टर फुकुमाए मोरिशे जो कि जापानी सर्जन है और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मेडिसिन इन लाइनस पॉलिंग इंस्टीट्यूट के हेड हैं, उनकी स्टडी के मुताबिक पॉलीसेकेराइड्स में जो ये एक कुव्वत है वो ये है कि हमारे सफ़ेद खलियों में जो पुलिस फोर्स है जिसको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं, और टी किलर सेल्स हैं जो कि हमारी कुव्वत मुदाफियत को मजबूत करते हैं, उसकी जो जंग होती है एक गैर फितरी, एक मुजर सेहत एलिमेंट से, चाहे ये मुजर सेहत एलिमेंट वायरस हो, बैक्टीरिया हो, एलर्जीज हो, या वो ख़ुद आपके अंदर के सेल्स हो जो आपको कैंसर की प्रमोशन की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस देता है। इसका क्या काम है कि इन WBCs को, जो हमारे समझ लीजिए बटालियन है, हमारी आर्मी है, उसको इतना मजबूत कर देता है कि ये उन सब को निगल जाता है। और इस एग्रेसिवनेस की वजह से कभी कभी ये वाइट ब्लड सेल्स खुद भी ख़त्म हो जाते हैं, उनके ख़त्म होने के बाद दूसरी कुमक को पहुंचाना भी हमारी बॉडी का ही जिम्मा है। बस बाहर से, बाजार से सेल्स लेके आप नहीं डाल सकते अपने,
तो नतीजा क्या होता है कि इस कुश्ती में, इस दौड़ में, इस जंग में कभी कभी जरासीम जीत जाते हैं, कभी इंसान की बॉडी जीत जाती है। अगर इंसान की बॉडी जीत जाती है तो वो एक सेहतमंद जिस्म कहलाती है, या वो बीमार नहीं होता। और जहाँ जरासीम या वायरसेस गए, ये बैरूनी असरात जीत जाते हैं, तो वहाँ फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। और इसी तरह उस बीमारी को फैलाने के लिए भी जिम्मेदार हो जाते हैं। तो जहाँ पॉलीसेकेराइड्स बैक्टीरिया के खिलाफ फौज या एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, वहाँ इन एंटीबॉडीज़ को ख़ास तौर पर इम्यूनोग्लोबुलिन जी को इम्प्रूव करने का जिम्मा भी पॉलीसेकेराइड्स का। और ये इतनी खूबसूरत बात है कि आज जब आप बच्चों में देखते हैं जो बार बार बीमार होते हैं, तो उनको इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी एनहांस हो। तो इस गज़ा में कुदरती तौर पर इम्यूनोग्लोबुलिन एनहांस करने की पोटेंशियल है। दूसरा क्लास, दूसरा एलिमेंट, दूसरी कंटेंट ऑफ कैनोड्रामा है ट्राइटरपीन्स। ट्राइटरपीन्स वो कंपाउंड है जिसको रिपोर्ट किया गया कि वो, वैसे तो कैनोड्रामा के अंदर खुद एक प्रॉपर्टी है अडाप्ट करने की, अडाप्टोजन, और एंटीवायरल यानी वायरसेस के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत देने की सलाहियत ट्राइटरपीन्स पार्ट ऑफ कैनोड्रामा में मिली, ब्लड प्रेशर को कम करने की सलाहियत और एलर्जी के खिलाफ काम करने की सलाहियत ट्राइटरपीन्स की मौजूदगी की वजह से हमें मिलती है। इसके की बेनिफिट्स क्या हैं? इसके की बेनिफिट्स ये हैं कि हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, कुव्वत मुदाफियत की कमज़ोरी की वजह से इम्यून डिसऑर्डर्स, कैंसर्स जो कि आज बहुत बड़ा खतरा है हमारी आने वाली नस्लों पर और हम पर, तो पॉजिटिव क्वालिटीज़ ऑफ कैनोड्रामा ने ये साबित किया कि किस तरह इसके मुसलसल इस्तेमाल से आप इन तमाम प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि दवाओं के इस्तेमाल से भी बच सकते हैं। मेरा कहने का ये मकसद नहीं है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट्स छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप गैनोडर्मा ल्यूसिडम का मुसलसल इस्तेमाल रखते हैं तो आपके बॉडी के सेल्स कुदरती तौर पर आपके शुगर मेटाबॉलिज्म को एक सही रविश पे डालते हुए कंट्रोल करते हैं। इसके लिए एक पावरफुल रिसर्च जो हमें मिलती है वो साबित करती है कि इंसुलिन के रिलीज जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है हार्मोन, वो गैनोडर्मा ल्यूसिडम की वजह से एक रेगुलर पैटर्न में आ जाता है। अब उसके लिए कैसे, ये कैसे हो सकता है कि एक ही खाने की चीज़ तमाम तर प्रॉब्लम्स का हल हो? तो मैं आपको बताऊं कि शुगर में कैनोड्रामा कैसे काम करता है। न सिर्फ ये कि ये ब्लड शुगर लेवल को कम करने की सलाहियत रखता है खुद, दूसरे ये कि पैनक्रियास से इंसुलिन की निकलने की मकदार को कंट्रोल करता है। और ये देखा गया कि जो पॉलीसेकेराइड जिसका मैं तस्करा कर रही थी, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम को पेनक्रियाटिक सेल्स में बढ़ाता है, जिसकी वजह से रिलीज और सिक्रीशन ऑफ हार्मोन होती है। और ये स्टडी मेरी जुबानी जमा खर्च नहीं है बल्कि एक हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट के ऊपर एक आर्टिकल छपा
और ये यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना बीजिंग में 2004 में ये बात बाकायदा तौर पे साइंटिफिक एविडेंस के तौर पे हमें पेश कर दी। ये तो सिर्फ एक छोटा सा एक काम गैनोड्रोमा का। दूसरा ये कि इम्यूनिटी के साथ साथ एस्थमा के अटैक को भी रिलीफ देता है। वो किस तरह? ये स्टडी हुई एलर्जिक इम्यूनोलॉजिकल जर्नल में, ये आर्टिकल मौजूद है। और इस आर्टिकल के लिए अगर मैं आपको इसके रेफरेंसेस बताना चाहूँ तो ये ताइवान यूनिवर्सिटी का एक इम्यूनोलॉजिकल जर्नल है जो कि 2007 में पब्लिश हुआ। और इसके रेफरेंस के तौर पर उन्होंने हज़ारों एस्थमेटिक पेशेंट्स को के ऊपर रिसर्च की और उससे ये साबित हुई बात कि अटैक ऑफ एस्थमा को गैनोडर्मा कंट्रोल करता है। इसी तरह न सिर्फ ये कि उसकी प्रॉपर्टीज़ इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए हैं, बल्कि उसकी प्रॉपर्टीज़ जो ज़्यादातर इस वक्त दुनिया में मूजी ख़तरा है वो है कैंसर। कैंसर में ऋषि मशरूम या गैनोड्रोमा का काम कैसे देखने में आया? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑन्कोलॉजी में शाये हुए हुए इस आर्टिकल में जो 2004 मई में हुआ, और इससे पहले भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनकी तवील फहरिस्त है, जिसने ये बताया कि कैंसर सेल्स को ग्रोथ को रोकने के लिए ऋषि इनहिबिट करता है उनकी ग्रोथ को, उसको रोकता है। एक स्टडी की गई प्रोस्टेट कैंसर पे, जिसपे उन्होंने सेल साइकिल की G2 स्टेज फेज पे उसे रोका। प्रोफेसर के जनार्दन इंस्टीट्यूट, केरला इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी, 25 साल से वो गैनोड्रोमा के इफ़ेक्ट्स ऑन कैंसर सेल्स पे रिसर्च कर रहे हैं। और उन्होंने ये बात साबित की कि गैनोड्रोमा तीन तरह से कैंसर सेल के खिलाफ काम करता है। एक जो पोटेंशियल कैंसरस सेल्स हैं या वो चीज़ें जो हमारे सेल्स को कैंसर सेल बनने पे मजबूर कर देती हैं, उस पोटेंशियल को कैंसर सेल बनने से रोकता है। यानी जो सेल्स एक स्टेज पे हैं कि वो अब कन्वर्ट हो सकते हैं कैंसर में, उस स्टेज पे उसे रोकता है। दूसरे वो जो ऑलरेडी अब कैंसर में कन्वर्ट हो चुके हैं, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई या उसकी ब्लड सप्लाई को रोकते हुए उसकी ग्रोथ को रोकता है। और तीसरे उसकी स्प्रेड को रोकता है। और ये कैसे पॉसिबल होता है, उस पर उन्होंने बहुत रिसर्च की। तो एक जगह